महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2023। 9 दिनों का अलग अलग भोग मंत्र, रंग किस दिन कौन रंग पहने, क्या भोग लगाएं और कौन से मंत्र बोलकर माँ की पूजा करें जिससे कि ज़्यादा हमें विशेष लाभ प्राप्त हो। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि नवरात्रि जो है माँ दुर्गा के भक्तों के लिए शारदीय नवरात्रि के ये 9 दिन बेहद ही खास होते हैं। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग विधि से पूजा होती है। तो इनकी अलग अलग जो विधि क्या है सभी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले और सभी बातें महत्वपूर्ण जो है जानने से पहले, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ दोस्तों। नवरात्र का पहला दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। माना जाता है कि देवी दुर्गा ने पार्वती के स्वरूप में हिमालय के घर में जन्म लिया था, जिस वजह से देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा। देवी के इस रूप से जीवन में पर्वत के समान धन समृद्धि आती है। माँ शैलपुत्री के एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ कमल है। उनके सिर के पीछे आधा चांद है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान से उनकी प्रार्थना करता है तो हम जो है उसके जीवन में अच्छे बदलाव होते देखते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा धन रोजगार और निरोगी स्वास्थ्य पाने के लिए किया जाता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। हिंदू धर्म में पीले रंग का बहुत महत्व होता है, जो जीवन में चमक, उत्साह और खुशियाँ लाता है। इस दिन पूजा के बाद माता के चरणों में गाय के घी का भोग लगाने से निरोगी काया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और भोग जो है गाय के घी का भोग इस दिन आप जरूर लगाएं और रंग पीला पहनें। मंत्र है, पहले दिन का जो मंत्र है इस मंत्र का जप आप 108 बार करें या 21 बार करें या 51 बार करें, आप अपने समर्थानुसार इस मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र है इस प्रकार, ओम एं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ऐसे आपको मंत्र का जप करना है। अब चलिए जानते हैं दूसरे दिन किन की पूजा होती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। जीवन में सफलता के लिए और सिद्धियां पाने के लिए की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी जो हैं देवी का अविवाहित रूप है। इनके एक तरफ पास कमंडल और दूसरी तरफ जप माला है। माँ ब्रह्मचारिणी प्यार और बलिदान को दर्शाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा के बाद शक्कर का भोग लगाने से सभी घर वालों की उम्र लंबी होती है। तो इनकी जो है आप इस दिन शक्कर का भोग लगाएं और रंग जो है हरा रंग पहने। और इनका मंत्र जो है इस प्रकार है, ओम एं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। इस प्रकार से आप इस मंत्र का जप करें। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा जो हैं बुरे कुकर्मों और पापों से मुक्ति दिलाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता के मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। इस दिन भूरे या ग्रे कलर के कपड़े पहनकर माता का पूजन करना चाहिए। ये रंग बुराइयों को नष्ट करके दृढ़ संकल्प को जगाता है। इनकी पूजा से सकारात्मकता महसूस होती है। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को खिलाने से सभी दुखों का अंत होता है, ऐसा माना जाता है। तो भूरे रंग के कपड़े पहने इस दिन। और मंत्र है इस प्रकार, ओम एं ह्रीं क्लीं चंद्र घंताय नमः। इस प्रकार का से आप मंत्र का जप करें। अब चौथे दिन जो है दोस्तों, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा देवी के रूप में माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। नारंगी रंग खुशी और सकारात्मक का प्रतीक माना जाता है। माँ कुष्मांडा के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से हमारे जीवन के दुख दूर होते हैं। माँ कुष्मांडा को सिद्धि की देवी कहा जाता है।
मालपुआ का भोग लगाने और मंदिर में बांटने से माता खुश होकर बुद्धि यानी कि तेज बुद्धि प्राप्त करती हैं। तो भोग में मालपुआ लगाएं, रंग नारंगी पहने और मंत्र है इस प्रकार, ओम हींग क्लीन कुश मंडाय नमः। इस प्रकार इस मंत्रों का जप करें। पांचवें दिन जो है स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। माता के चार हाथ और तीन आँखें हैं। भगवान कार्तिकी की माता देवी स्कंद माता हैं। दुर्गा देवी के स्वरूप से खुशी समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की पूजा के बाद केले का भोग लगाने से शारीरिक स्वस्थ यानी कि शरीर स्वस्थ रहता है। परिवार के हर सदस्य जो हैं स्वस्थ रहते हैं। इनकी भोग जो है इस दिन आप केले का भोग लगाएं और कलर जो है रंग जो है सफ़ेद पहने और मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। इस प्रकार से इस मंत्र का आप जप करें। अब जानते हैं दोस्तों कि नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है और उनके चार हाथ हैं, साथ ही वह बाघ की सवारी करती हैं और उनके हाथ में तलवार है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से बीमारी और भय दूर होते हैं। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद शहद का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों इनका मंत्र जो है इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। इस प्रकार से आपको मंत्र का जप करना चाहिए। नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि को समर्पित माना जाता है। देवी का यह रूप सबसे आक्रामक है। देवी के इस रूप में दुश्मन दूर होते हैं। सातवें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। माँ कालरात्रि का पूजा करने से जीवन के आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और नकारात्मक शक्तियाँ भागती है। पूजा के बाद गुड़ का भोग लगाने से अचानक आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। तो इस दिन का भोग है गुड़ और रंग है नीला और मंत्र है, ओम ह्रीं क्लीं कालरात्रि आय नमः। इस प्रकार से आप इस मंत्र का जप करें। दोस्तों नवरात्रि के आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूजा में गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता महागौरी के पूजन से जीवन के सभी दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। साथ ही श्रद्धापूर्वक अर्चना करने से निःसंतान को संतान सुख मिलता है। महागौरी में जीवन को धन स्वास्थ्य नाम और सभी तरह के खुशहाली से भर देती हैं देवी। इस रूप की पूजा के बाद नारियल का भोग लगाना चाहिए और नारियल दान भी करना चाहिए। तो इस दिन का भोग हो गया नारियल और रंग हो गया गुलाबी और मंत्र जो है इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरी नमः। इस प्रकार से इस मंत्र का जप करना चाहिए। दोस्तों नवरात्रि का नौवा और आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के लिए होता है और उनके चार हाथ हैं, साथ ही माता सिद्धिदात्री कमल पर बैठी हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से हमारे जीवन में सभी सिद्धियां आती है। माँ सिद्धिदात्री किसी भी बीमारी रोग को चुटकियों में ठीक करने का शक्ति रखती हैं। नवरात्रि की आखिरी दिन बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर माता का पूजन करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाने से अनहोनी से छुटकारा मिलता है। तो भोग में तिल का भोग लगाएं, रंग बैंगनी और मंत्र जो है इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। इस प्रकार से इस मंत्र का जप करें। तो ये थी जानकारी नौ दिनों के नौ रंग नौ भोग और नौ मंत्र। इस प्रकार से अगर आप पूजा करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो आप लोग इस प्रकार पूजा जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।